नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा पहुंची सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा। सिरसा के डिंग मंडी में सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत। सीएम के साथ सांसद सुनीता दुग्गल, राज्य मंत्री कर्ण देव कंबोज, विधायक मखनलाल सिंगला सहित अनेक नेता मौजूद थे। सीएम ने डिंग वासियों का स्वागत करने पर आभार जताया। पूरे प्रदेश में समान विकास करवाया गया। उन्होंने कहा कि सिरसा का कोई भाजपा का विधायक नहीं था, फिर भी समान विकास करवाया। सीएम ने लोगों से सरकार द्वारा और उसके कार्यकाल में संतुष्ट होने का सवाल भी पूछा। लोगों ने जोर जोर से नारे लगा करके संतुष्टि जताई। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि युद्ध के घोड़े व सेनापति बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के लिए सिरसा के डिंग मंडी में प्रवेश किए और वहाँ पर मुझे मौजूद जन समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विपक्ष की क्या हालत हो चुकी है, यह सबको पता है। कांग्रेस लगातार अपने नेतृत्व परिवर्तन कर रही है। वहीं उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि पिछले 5 सालों में विकास से संतुष्ट हैं या नहीं। जन समूह द्वारा हाँ में जवाब मिलने पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने समान विकास करवाए हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में सिरसा से कोई भी विधायक नहीं था। सिरसा की 5 विधानसभा में विपक्ष की जीत हुई थी। इसके बावजूद भी सिरसा जिले में बिना किसी भेदभाव के हमने समान विकास करवाए हैं। मुख्यमंत्री ने सिरसा की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि सिरसा की जनता में भी उनकी सरकार का खूब सहयोग रहा है। सिरसा बिजली का बिल भरने में सबसे आगे हैं, चाहे वह बिजली के बिल भरने की बात हो या फिर घर के बाहर मीटर लगवाने की। इन्होंने हमेशा सरकार का सहयोग किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सिरसा के किसानों को सर्वाधिक 700 करोड़ रुपये का मुआवजा भी सिरसा जिले को दिया गया। सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा डिंग मंडी के बाद में जोधगांव पहुंची, जहां पर भाजपा के युवा कार्यकर्ता और जन नेता अमन चोपड़ा ने जोरदार स्वागत किया। यहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। इस यात्रा का स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, हमको मालूम है कि 2014 में हरियाणा की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया था और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार हरियाणा में हमने बनाई थी। ये अलग बात है कि सिरसा जिला उसमें शामिल नहीं था। भले ही ना हो, हमने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया और सिरसा जिले में भी उतना ही विकास कराया जितना करनाल में हुआ, जितना फरीदाबाद में हुआ, जितना गुड़गांव में हुआ, जितना बाकी सब जिले में हुआ, सिरसा में भी उसी प्रकार से हमने विकास कराया। चाहे वो सड़कें रही होंगी, चाहे पंचायतों को पैसा भेजने की बात कही होगी, चाहे बिजली 24 घंटे बिजली यहाँ आती है पूरी के नहीं आती है, आती है ना, कोई कमी तो नहीं है। अब तो कुछ किसान कहने लग गए, थोड़ी कम कर दो नहीं तो हमारा बिल ज्यादा आ जाएगा। इसलिए ये तो आपके अपने हाथ में है, हम तो लाइनें पूरी खोल के देंगे, क्योंकि इसमें सिरसा जिले ने सहयोग भी बहुत किया है। सिरसा जिले के लोगों ने हमारे सिरसा जिले ने उसमें सहयोग भी खूब किया है। उन्होंने जैसा बिजली विभाग ने कहा, मीटर भी अपने बाहर लगवा दिए, तारें भी बदलवा ली, बिल भी पूरे भरने शुरू कर दिए। दोनों हमने यहाँ हर प्रकार के काम, हमें यहाँ के किसानों की समस्याओं का भी पता है। किसानों के यानी जब सफेद मक्खी की जब अटैक हुआ था कपास नरमा पर, वो याद है हमको, 700 करोड़ रुपए का मुआवजा केवल सिरसा जिले में हमने दिया था भाई बहनों। इसलिए यहाँ की हर समस्या इसका समाधान करना ये हमारा काम है, यहाँ के विकास के काम हो या किसी भी वर्ग के, वो चाहे किसान हो, दुकानदार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर एक वर्ग की जो समस्या हमारे पास आती है ईमानदारी से उसको सॉल्व करते हैं। इसलिए हम तो आज आपके पास आए हैं कि अगर हमारी सरकार आपको ठीक लगी हो, पहले बताओ हमारी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है? संतुष्ट है तो फिर अगले 5 साल के लिए इस बार सिरसा जिला एकदम उल्टा करके और सब 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का मन आप लोग बनाएंगे?
क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार का हाल बाकी सब पार्टियों में चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रोज रोज की खबरें आपको आ जाती हैं। हमारे इस यात्रा का इतना बड़ा समर्थन हजारों लोग जगह जगह कर रहे हैं, इसमें से सब विपक्षियों की जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब सब घबराए फिरते हैं, इससे गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, ये जोड़ तोड़ करो, अपने नेता को हटाओ, लीडर दूसरा बनाओ, अध्यक्ष दूसरा बनाओ। अरे युद्ध के मैदान में अगर यो सेनापति घोड़े बदलते रहोगे तो क्या बड़ा करोगे किसी का। इसलिए भाई बहनों, हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि अगले 5 साल के लिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए। फिर आपको जैसे राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को संरक्षण दे करके और आप लोगों के गले की फांस बनते थे, अब कोई अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। हर एक की सुरक्षा करना ये हमारा काम है भाई बहनों। इसलिए काम काज के यानी सिस्टम को बदलने का काम जो हमने किया है वो लगातार करते रहेंगे। आपसे वादा करते हैं कि पहले की तुलना में ज्यादा डबल काम करेंगे, आपके हर काम की हम चिंता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप खब्बे हाथ में, लेफ्ट हैंड में स्टेज से लेफ्ट हैंड में आप सभी लोग एकत्रित रहे। सभी लोग लेफ्ट साइड पे आ जाए, मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। सभी लोग लेफ्ट साइड में आ जाए, सभी लोग लेफ्ट साइड में इकट्ठे हो जाए। सभी लोग खब्बी तरफ आ जाए, मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ चुके हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अपने झंडे उठाए, झंडे उठाए मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार सभी जयकारे लगाए, झंडे उठा ले। सभी से विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे